जिस तरह मॉन्स्टरवर्स में कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ की चर्चा होती है, ठीक उसी तरह मार्वल कॉमिक्स में भी हल्क और शी हल्क के फिजिकल स्ट्रेंथ की चर्चा होती है, क्योंकि कॉन्ग की तरह हल्क और शी हल्क दोनों ही अपनी फाइट फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर लड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इन तीनों कैरेक्टर्स के आपस में फाइट हो जाए तो उसका विनर कौन होगा? सबसे पहले कॉन्ग की बात करें तो स्कल आइलैंड पर रहने वाला एक प्राचीन जीव है जो देखने में बिल्कुल किसी मॉन्स्टर या कहीं एक जायंट एप की तरह लगता है। कॉन्ग का ओरिजिन स्कल आइलैंड पर ही हुआ था और ये अपने ओरिजिन के बाद से ही स्कल क्रॉलर से फाइट करता आ रहा है, जिसके चलते इसके पास न सिर्फ गजब का फाइटिंग एक्सपीरियंस है बल्कि गजब की स्ट्रेंथ भी पोजेस करता है। और इसकी उस गजब की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि कॉन्ग ने स्कल आइलैंड पर अपने दो स्कल क्रॉलर को एक साथ धूल चटा दिया था। कॉन्ग के ऊपर बनी रिसेंट मूवी के अकॉर्डिंग वो 337 फीट लंबा है और उसका वेट भी लगभग 50,000 टन है, जो उसे धरती पर एक डोमिनेटिंग क्रिएचर बना देता है, क्योंकि एनिमल्स का वेट ही उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब अगर कॉन्ग की पावर्स और एबिलिटीज पर नजर डाले तो इसके पास रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन और जीनियस लेवल इंटेलेक्ट मौजूद है, जिनकी मदद से गॉडजिला जैसे दमदार ओपोनेंट का भी ये सामना कर सकता है। अगर फाइट के दौरान कॉन्ग के पास एटॉमिक ब्रेथ को एब्जॉर्ब करने वाला उसका बैटल एक्स होता है तब तो ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अपने बैटल एक्स के साथ ये अपने ओपोनेंट पर डबल पावर से अटैक कर सकता है, जिसके बाद उसका बच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर हल्क की बात करें तो हल्क एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी ताकत किसी से छिपी नहीं है। ब्रूस बैनर नाम का एक डॉक्टर जब गैमा रेडिएशन के हेवी डोसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो अचानक से एक ग्रीन रेज मशीन यानी कि हल्क का रूप ले लेता है। इसके बाद जब भी ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तब वो हल्क का रूप लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। दोस्तों हल्क की पावर्स की बात करें तो ये हाई इंटेलिजेंस, सुपर जम्प, सुपर ह्यूमन स्पीड, रिजनरेशन एंड थंडर क्लब जैसी बहुत सी पावर पोजेस करता है। साथ ही इसके पास गजब की स्ट्रेंथ और हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है, जिसकी मदद से इसकी इंजुरीज पल भर में ही ठीक हो जाती है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की है, क्योंकि इसकी बॉडी पर मिसाइल्स और बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता और यही वजह है कि इसके ओपोनेंट्स इस पर वार करते करते थक तो जाते हैं पर इसका ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं। हल्क के पास भी कॉन्ग के जैसा ही फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये न सिर्फ अल्ट्रॉन की आर्मी पर अकेले ही कहर बरसा चुका है बल्कि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसने आयरन मैन, स्पाइडरमैन, घोस्ट राइडर और वुल्वरीन जैसे दमदार सुपर हीरोज को भी मात दी है। हल्क के अंदर डर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सर्टर जैसे दमदार और बड़े साइज वाले ओपोनेंट से भी हल्क अकेले ही लड़ने चला गया था। कॉन्ग और हल्क के बाद अब सबसे आखिर में बात करते हैं शी हल्क की। शी हल्क एमसीयू में हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ एक फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर है, जिसका असली नाम जेनिफर वाल्टर्स है, जो डॉक्टर ब्रूस बैनर की कजन होने के साथ साथ पेशे से एक वकील भी है, जो स्पेशली सुपर ह्यूमन ओरिएंटेड लीगल केसेस हैंडल करती है। शी हल्क की ओरिजिन की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बार जब डॉक्टर ब्रूस बैनर अपनी कजन को एक एक्सीडेंट के बाद अपना ब्लड देता है तब उसमें भी हल्क जैसी पावर्स आ जाती है और वो बाद में शी हल्क बन जाती है। बात शी हल्क की पावर्स और एबिलिटीज की करे तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, टेलीपैथिक इम्यूनिटी, हीलिंग फैक्टर, सुपर स्टेमिना, लीपिंग ग्रेट हाइट्स और बॉडी ट्रांसफरेंस जैसी बहुत सी पावर्स मौजूद है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग और टफ है, जिसकी स्ट्रेंथ एंगर और फियर जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन से इंक्रीज होती है। साथ ही ये शी हल्क फॉर्म में भी अपनी इंटेलिजेंस को बरकरार रख सकती है, जो इसे हल्क से अलग बना देता है। अगर इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो जाए तो इनमें विनर कौन होगा? जब ये तीनों कैरेक्टर्स एक ट्रिपल थ्रेट फाइट में उतरेंगे तब वो मॉन्स्टरवर्स और एमसीयू की वन ऑफ द टफेस्ट फाइट साबित होगी, क्योंकि इस फाइट में जहाँ पर कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स का एक बेताज बादशाह है तो वहीं पर हल्क और शी हल्क भी पावर्स के मामले में एमसीयू के अंदर अपना नाम बना चुका है। वैसे शी हल्क एमसीयू के अंदर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस की कमी है और यही उसके सबसे पहले नॉकआउट होने का रीजन भी होगा, क्योंकि वो चाहकर भी हल्क और कॉन्ग जैसे ओपोनेंट का एक ही फाइट में सामना नहीं कर सकती। और फिर कॉमिक्स में तो बताया गया है कि हल्क शी हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते शी हल्क का इस फाइट में सबसे पहले नॉकआउट होना लाजमी है। शी हल्क के नॉकआउट होते ही अब ये फाइट कॉन्ग और हल्क के बीच में रह जाएगी, जिसके बाद इस फाइट में एडवांटेज स्टार्टिंग से ही कॉन्ग के पास होगा, क्योंकि वो आकार में हल्क से बेहद बड़ा है। अगर हम हल्क की हिस्ट्री को देखें तो वो एमसीयू के अंदर अपने आकार से बेहद बड़े सर्टर से पल भर में हार चुका है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉन्ग भी उसका सर्टर वाला ही हाल करेगा, क्योंकि हल्क अपनी फाइट्स को मेनली फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर ही लड़ता है और उसके पास ऐसी कोई मैजिकल पावर्स नहीं है कि वो उसे कॉन्ग पर इस्तेमाल कर सके, जिसके चलते मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस फाइट का विजेता कॉन्ग होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए तो विनर कौन होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।